मेरा कहने का मतलब ये, मुझे दूसरा ब्याह सपने में भी नहीं, मैं तो तेरे तई काम चला लूंगा। लेकिन मैं कराना चाहती हूँ। पर दूसरे ब्याह के कोई फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। तू अपनी तरफ देख ले। मैं अपनी तरफ क्या देखूं महाराज, मुझे तो आपकी और अपने परिवार की इस वंश की चिंता रहती है। कदा इस घर में भी ना रहने दे वो तुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे दर्द मिलेगा मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में हमारा बुढ़ापा बढ़ता चला जाएगा और मैं ना रही तो आपकी देखरेख के लिए कोई तो चाहिए महाराज। चल तू तर्क दे के बता दूसरे शादी के क्या फायदे हैं। सुनना चाहते हो? सुनिए मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके तल पे रोलेगा। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके तल पे रोलेगा। और मेरे कहते जाते वाले मेरे कहते जाते वाले पाछे ढूंढ पड़ेगा। मैं मर गई ते मेरे पिया बता किसके तल पे पिया बता किसके तल में रोएगा। एक औरत का होना घर में कितना जरूरी होता है, इस बात को वो लोग समझते हैं जिनके घर में कोई औरत नहीं होती। शायद ऐसा भी होता है कि उनके घर में चूल्हा नहीं चलता। सुनेगा पहली कली के माध्यम से रानी ने राजा को किस तरह से समझाया और ये बात है। यही बात है। और सुबह उठ के ताते जल में सुबह उठ के भोजन कौन चुमावेगा। हांडे चून हांडे चून घल्या ढकनी में किस पे टूपवावेगा। हांडे चून घल्या ढकनी में किस पे टूपवावेगा। अरे मैं चली जा स्वर्गपुरी में, मैं चली जा स्वर्गपुरी में चारों पूर्ण टट्टो लेगा। मर गई ते हमारे अजीज मित्र भाई वीर सिंह सरपंच साहब 500 रुपए का मान सम्मान किया है। भाई के सम्मान में जोरदार ताली जोर ताली। क्या बताया ना?
मक्खन काढ़ा तड़के हाथ फिरा जा से सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा तड़के हाथ फिरा जा से अरे दही जाम की मक्खन काढ़ा दही जाम की मक्खन काढ़ा हरी हाथ झटकोड़े कहिए अभी तो वही महाराज है तो मंत्री महाराज क्यों बने हैं नहीं ये ये अब ये महाराज आ गए नहीं अवतार अभी तो हम थोड़े जवान हैं अभी तो ऐसा है कि कर लेते हैं खा लेते हैं लेकिन धीरे धीरे समय बीतेगा बुढ़ापा आता चले जाएगा और जब बुढ़ापा आएगा तो शरीर के अंदर ना जाने कितने रोग ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे कि जिनके कारण से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तू तो भोली औरत है तू एक काम कर तू दो एक महीना यहाँ जाट मालियर में रहे जब तुझे अनुभव होगा यूं क्या करते हैं मर्द को और बरद को कभी बुढ़ापा नहीं आता देखो जिसकी औरत कलेश करती हो उसे तो आ जाए सारा भुनता रहे पिसता रहे लेकिन वैसे मर्द को और बरद को बरद का मतलब बैल इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता अच्छा। अगर कोई छोटी मोटी पैर में आंख में कोई कमजोरी आ जाए तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट खवाओ यानी कि खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ कितना ही 100 साल तक महाराज आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं मानती हूँ आपकी बात बिल्कुल सच है लेकिन जब अंधे हो जाते हैं तो कितने ही चश्मे बनवा लो नंबर ही नहीं आता आंख खत्म तू तो आज बहुत गिरी हुई बात कर रही है तू कह अपनी बात महाराज मुझे तरस आता है आप पर सुनिए मेरी बात सुना कि मैं इतनी और पकड़ जागा इतनी बात पकड़ जा से इतनी और पकड़ जागा तू पहरा हो जा दांत टूट जा पहरा हो जा दांत टूट जा काली जीव मकोड़ेगा ये मर की ते सजन मेरे बता किसके तरवे रोलेगा मैं मर की ते सजन मेरे बता किसके तरवे दूसरा विवाह करना चाहती हूँ तो उसके पीछे जो वजह है आप बखूबी जानते हैं छाती पे पत्थर धर ले रखा ही नहीं जाता अच्छा अगर हमारे घर में आपका दूसरा विवाह होने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है मुझे इससे बड़ी खुशी की बात कोई नजर नहीं आती दूसरा ब्याह तो कर लूंगा अरे प्रताप लड्डू बाद में मेरी तरफ दूसरा ब्याह तो कर लूंगा ये तो खुशी के लड्डू दूसरा ब्याह होने के बाद कदर न्यू रोवेगी न्यू महाराज मैं न्यू ना मैं चाहे न्यू रो अच्छा जी हाँ लेकिन तो फिर क्या? आप कर लीजिए हाँ सुने मेरी बात हाँ।
चंद गुरु की धोरे जबर वसीला हो ले हो लक्ष्मी चंद गुरु के धोरे जबर वसीला हो लेगा। अरे मांगे राम मेरी बात ने मांगे राम मेरी बात ने उस दिन साची तोड़ेगा मैं मर गई थे रतिया बता किसके धले में रो लेगा मैं मर गई थे रतिया Yeah.